दोस्तों बिहार में संविदा पे कार्य कर रहे सभी के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जो भी अभी संविदा पे कार्य कर रहे, बिहार में बहुत सारे डिपार्टमेंट है संविदा वाले, 44 विभाग है संविदा वाले, जो एग्रीमेंट है बिहार सरकार की ओर से। तो जो भी खास तौर पे संविदा पे कार्य कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी खबर है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पत्रांक संख्या यहाँ पे देख लेंगे 17355 के द्वारा एक लेटर जारी किया गया। इस लेटर में नियमावली संशोधन की गई है। आप लोग का जो काम का प्रेशर रहता है और जो सैलरी बढ़ोतरी की जाएगी इसके रिगार्डिंग, और आप लोग का समय पे जो सैलरी मिलेंगे, और अन्य ऐसे नियम है जो आप लोग का संविधान अनुच्छेद संख्या 3 में जो है यहाँ पे देखेंगे, अनुच्छेद संख्या 3 से 9 में ये सभी नियम दर्शाए गए हैं संविदा पे जो कार्य कर रहे। तो आप लोग को बहुत सारी ऐसी सुविधा है आप लोग को मिलने जा रही है जो अभी संविदा पे कार्य कर रहे, और नियमावली संशोधन भी कर दी गई है। तो आगे यहाँ पे आप लोग समझ लेंगे कौन कौन सी ऐसी बात कही गई है ये पत्र में, आगे यहाँ पे समझ लेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ये लेटर जारी किया गया, प्रेषक डॉक्टर बीआर राजेंद्र और सरकार के प्रधान सचिव। सेवा में देखेंगे सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव। बिहार में टोटल 44 विभाग है और सभी विभाग के मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव के ऊपर ये पत्र जारी किया गया। जो भी विभाग है संविदा वाले, सभी विभाग में एक प्रधान सचिव एवं मुख्य सचिव रहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे विषय में बताया जा रहा है नियमावली की विविक्षा के संबंध में। ये लेटर 14 सितंबर 2023 को जारी किया गया। और यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत संविधान के अनुच्छेद संख्या 309 के परंतु में निहित प्रावधान के आलोक में विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन सेवा संघ में नियुक्ति एवं सेवा शर्त को विनियमित करने हेतु नियमावली का गठन किए जाने का प्रावधान है। इसमें बताया जा रहा है संविधान अनुच्छेद संख्या 309 में ये संशोधन किया गया संविदा कर्मी के ऊपर, किस तरह से इससे काम लिए जाएंगे, सैलरी कब मिलेंगे, और ऐसे बहुत सारी जानकारी है जो संविधान में पहले से लागू की गई है कि संविदा पे जो भर्ती ली जाती है तो किस तरह से भर्ती ली जाती है, और उन सब की सेवा शर्त क्या रहने वाली है, कितना काम की प्रेशर मिलने वाली है, सैलरी कब मिलेंगे, समय निर्धारित की जाएगी। और सैलरी जो निर्धारित की गई है सभी कर्मचारी का अलग अलग सैलरी निर्धारित की गई है, लेकिन उसे नहीं मान करके विभाग अपना मनमर्जी करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 309 के अनुच्छेद में ये साफ तौर पर नियंत्रित सेवा संघ के नियुक्ति सेवा शर्त को नियमित करने हेतु नियमावली का गठन किए जाने का प्रावधान है। संविधान में साफ तौर पर ये प्रावधान है और जब चाहे तब ये नियमावली में संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसी प्रकार राज्य सरकार के विभिन्न अधिनियमों के प्रावधान के आलोक में भी नियमावली गठित करने की आवश्यकता होती है। और इसमें देखिए बताया जा रहा है कि जितने भी विभाग है तो समय समय पर नियमावली संशोधन कर सकते हैं। ये प्रावधान जो है संविधान में पहले से लागू है और जो है वही संविधान को देखते हुए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है अभी। और सेकेंड वाले पॉइंट में यहाँ पर देखेंगे बताया जा रहा है नियमावली का गठन किए जाने के क्रम में मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त करने के पूर्व प्रस्तावित नियमावली के हिंदी एवं अंग्रेजी प्रारूप विविधता विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाविद्वता से कराए जाने का प्रावधान है। इसमें जानकारी दी गई है कि जितने भी विभाग है सभी विभाग के और पत्र जारी की जाएगी, तो विधि विभाग से पत्र जारी करेंगे। अब जो भी संशोधन होंगे, संशोधन होने के बाद पत्र जो जारी होंगे हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम के सहायता से जो है पत्र जारी करेंगे। तो जो पत्र जारी करेंगे तो विधि विभाग की ओर से जारी करेंगे, और उसमें ये नियमावली का गठन किए जाने का मंत्रिपरिषद का अनुमोदन होगा। मंत्रिपरिषद में सबसे पहले इसे चेक किया जाएगा कि जो भी यहाँ पे संशोधन किया गया है तो आने वाले समय में न विभाग की ओर से बोझ पड़े और न सरकार को इसके ऊपर कोई कठिनाई आए। तो मंत्रिपरिषद की ओर से फाइनल इसे चेक करने के बाद जो है विधि विभाग की ओर से ये पत्र जारी की जाएगी। तो सभी विभागों के लिए ये लेटर जारी की जाएगी नियमावली में जो संशोधन किया जाएगा, ये बताया जा रहा है सेकेंड वाले पॉइंट में। और थर्ड वाले पॉइंट में देखिए बताया जा रहा है इस क्रम में विद्वान महाविद्वता द्वारा सूचित किया गया है कि विविधता के क्रम में प्रास्ताविक नियमावली के प्रारूप में स्पष्टता के अभाव के कारण कतिपय मामलों में संचिका प्रशासनिक विभाग को लौटाई जाती है, फलस्वरूप विधायिका में अनावश्यक विलंब होता है। इसमें साफ तौर पर जानकारी दी गई है कि जो अभी विभाग है 44 से ज़्यादा विभाग है बिहार में, तो अभी जो नियमावली संशोधन होने जा रहे हैं तो ये जो है यहाँ पर देखेंगे सभी अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव जितने भी विभाग है उस विभाग के प्रधान सचिव और मुख्य सचिव के ऊपर जो है ये नियमावली बनने जा रहे हैं। और इसमें जानकारी दी गई है कि जो भी नियमावली बनने जा रहे हैं उस नियमावली का जो है
सभी कर्मचारी को लाभ मिलना चाहिए। जो भी नियमावली संशोधन होगा तो वो नियमावली के अकॉर्डिंग जो है सभी कर्मचारी को लाभ मिलने वाले है, ये यहाँ पे दर्शाए गए। और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है उक्त कठिनाई के निराकरण हेतु विद्वान महाविद्या के अपने पत्र से निम्नलिखित आदेश निर्गत किए जाने का उल्लेख किया जाता है। और इंग्लिश में यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, इसे हम ट्रांसलेट कर लेते हैं और अच्छे से समझ लीजिए हिंदी में। कि यहाँ पर देखेंगे हिंदी में बताया जा रहा है सभी विभागों को प्रास्ताविक नियमों विनिमय के लक्ष्य और उद्देश्य से पूरी तरह परिचित एक समस्त अधिकारी को फाइलों के साथ तैनात करने का निर्देश दिया जाए ताकि ड्राफ्ट की जाँच में देरी न हो, तद अनुसार उचित निर्देश जारी किए जा सकते हैं। सभी विभागों को ये सुनिश्चित करना होगा कि नियम और विनिमय से संबंधित फाइलों के साथ एक समक्ष अधिकारी होना चाहिए जो ऐसे प्रास्ताविक नियम और विनिमय से अच्छी तरह वाकिफ हो ताकि मसौदे की जांच में अनावश्यक रूप में देरी न हो। इसमें साफ तौर पे जानकारी दी गई कि बिहार में भी जितने भी संविदा वाले डिपार्टमेंट है तो सभी डिपार्टमेंट में ये नियमावली संशोधन होने जा रही है। तो जो भी पत्र निकाले जाएंगे तो उस पत्र में साफ तौर पे जानकारी दी गई है कि जो भी विभाग में अभी पदाधिकारी है उसे अच्छे से मालूम होना चाहिए, अनुच्छेद संख्या 309 में जो भी जानकारी दी गई है उसे अच्छे समझ आनी चाहिए कि जो संविदा पे कार्य कर रहे तो उन सब के नियमावली जो चेंज किए जाएंगे तो वो नियमावली का लाभ मिलना चाहिए, अच्छे से मिलना चाहिए उन सब के जो भी अभी कर्मचारी उसके अंडर में कार्य कर रहे। तो ये सब जानकारी उसे पहले से मालूम होना चाहिए ताकि जो कर्मचारी है उसे उचित मानदेय मिल सके, समान काम का समान वेतन। और ये जो है पदाधिकारी को अच्छे से मालूम होना चाहिए तभी अपने कर्मचारी को जो है ये सब लाभ दे पाएंगे, अन्यथा जो है लेटर का कोई मान्य नहीं होंगे। तो ये जानकारी दी गई है और नीचे में यहाँ पे आप लोग समझ लेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखिए लास्ट वाले पॉइंट में बताया जा रहा, अतः अनुरोध है कि विद्वान महाविद्या के उक्त वर्णित निर्देश से अवगत होते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ पदाधिकारी कर्मियों को निर्देशित किया जाए। लास्ट वाले पॉइंट में जानकारी दी गई है कि जो भी नियमावली संशोधन होंगे तो जो भी अभी अधीनस्थ कर्मचारी है पदाधिकारी है, पदाधिकारी के अंडर में जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे तो सभी को ये लाभ दिया जाए और समान काम का समान वेतन। ये लेटर के माध्यम से साफ तौर पे कहना है कि अभी जो नियमावली संशोधन होने वाले है तो जितने भी बिहार में संविदा वाले डिपार्टमेंट है तो सभी को कुछ न कुछ लाभ देखने को मिलेगा, सैलरी बढ़ोतरी और जो काम का प्रेशर है, जो अनुच्छेद 309 में जो नियमावली संशोधन की गई है कि संविदा के लिए किस तरह से काम लिए जाते हैं, सैलरी क्या रहने वाली है, ये संशोधन किया गया। आगे चुनाव भी आने वाले हैं और चुनाव से पहले आप लोग को बहुत अच्छी अपडेट देखने को मिलेगा जो अभी संविदा पे कार्य कर रहे हैं। आप लोग को नियमावली संशोधन हो चुका है, सभी विभागों का बहुत जल्द पत्र जारी होंगे, आप लोग को सैलरी बढ़ोतरी की जाएगी, यही एक मकसद है बिहार सरकार की। और आप लोग का जो काम का कुछ संशोधन है, जो आप लोग का काम का प्रेशर है उस पर थोड़ा प्रेशर कम मिलने वाले, और भी बहुत सारी ऐसी सुविधा है जो आप लोग को देखने को मिलेगा इसी चैनल के माध्यम से, आप लोग को बहुत जल्द बता दी जाएगी। ये पत्र के माध्यम से साफ तौर पे सभी विभागों मुख्य सचिव एवं अपर प्रधान सचिव को ये पत्र लिखा गया है और बहुत जल्द नियमावली जो संशोधन होंगे तो सभी विभागों का जो कर्मचारी है तो आप लोग को गुड अपडेट देखने को मिलेगा। जो अभी खास करके संविदा वाले डिपार्टमेंट है, संविदा से जिनको भी एग्रीमेंट मिल चुका है तो उन्हीं सबको, कॉन्ट्रैक्ट वाले के लिए ये सब सुविधा नहीं है, जो अभी संविदा पे कार्य कर रहे उन्हीं सब के लिए है। धन्यवाद।